कॉलेज में गुड्डू आजकल कैसा रहता है? पहले की तरह हंसता चंचल? ना, खोया खोया सा, उदास। सोनिया, ये बाइक तो अपने कंपाउंड में रुकी है। इस बार जरूर गुड्डू आया होगा। चल मुझे जल्दी से कपड़े पहना दे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है गुड्डू आया है। चल। हेलो, कोई घर में है? हेलो। ओ तो हेलो आंटी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सलीना के लिए फूल लाया हूँ। उसकी जिंदगी में कांटे बिछाने के बाद उसके लिए फूल लेकर आए हो? अब जाओ मुंह काला करो, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ठीक है आंटी, अगर आप कह रही हैं तो मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। आंटी, तुम चुप रहो। बेशरम, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो? निकलो बाहर, नहीं तो मम्मी, नहीं मम्मी, आंटी गुड्डू को निकालो, गुड्डू बचाओ। ज्ञान ध्यान की ज्योत बुझे तो मन छाए अंधकार, धर्म को जिसने कर्म से पाला जीत लिया संसार। दुनिया वाले दुनिया सारे कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे। दुनिया वाले दुनिया सारे कर ले अपने नाम रे, मेरे तो राधे श्याम रे, मेरे तो राधे श्याम रे। नमस्ते भाभी जी। अरे रहमान भाई, आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं आज। क्यों न हूँ, इसे कहते हैं दो धर्मों की गंगा जमुना का संगम। आप पूजा घर से प्रसाद लिए निकली हैं और मैं दरगाह से तबरुक लिए चला आ रहा। अरे वाह, लीजिए। आप ही प्रसाद लीजिए ना रहमान भाई। जरूर जरूर, मेरा यार कहाँ है, चलिए उसे भी प्रसाद खिलाते हैं। वो नहीं खाएंगे रहमान भाई, अब तो जानते हैं। मैं जानता हूँ, उसे पूजा पाठ में विश्वास नहीं। मैं उनके दिमाग में विश्वास तो नहीं ठूस सकता, हाँ मुंह में प्रसाद जरूर ठूस सकता हूँ। चलिए आप भी कोशिश कर लीजिए। चलिए। ये क्या बदतमीजी है रहमान, जो छुलिए भाभी चुका प्रसाद। बूढ़े हो गए पर अभी तक तुम्हारी छिछोरी हरकतें नहीं गई। मैं तो छोड़ो छोड़ो, मैं जाओ बख्श दिया लो। तो क्या कर रहे हो तुम? हाय, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड्डू। किसी दिन हाथ पांव तुड़वाने हैं क्या? ये कौन सा ढंग है अंदर आने का? टाइम मम्मी टाइम। मम्मी जिंदगी में वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। वो देखिए घड़ी देखिए, एग्जैक्टली 9 o'clock, और अगर मुझे टेबल पर आने में एक मिनट की भी देर हो जाती तो डैड कलेक्टर सुनना पड़ता, वक्त की पाबंदी पर नहीं डैड। अरे वक्त की पाबंदी कोई हमसे सीखे, अरे घड़ियाल की ठनठनाहट खत्म भी नहीं हुई, बलिया नाश्ता बटोरे टेबल पे हाजिर है। आदाब हुजूर। साहब पाबंदी हमारी पैदाइशी आदत है। ज्योतिषी ज्योतिषी मेरे बाप को बोला रहा कि तुहार बिटवा 4 तारीख को इस दुनिया में आई है, हम ठीक 12 बजे रात को टपक पड़े कि तारीख 4 से 5 न हुई जाए। ई भईना बखत की पादम भी। बलिया बकवास बंद। रहमान अंकल, आज शाम को सिटी कॉलेज के साथ हमारा फुटबॉल का मैच है, आप ग्राउंड पर आएंगे ना? जरूर आऊंगा बेटे, तुम भी आओगे ना विक्रम? मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा बेटा जीतेगा कैसे? भूल गए क्या अपने जमाने में मैं फुटबॉल चैंपियन था? चैंपियन पैदाइशी आदत है। बलिया, ग्राउंड के बाहर बैठकर बेटे को ऐसी ऐसी हिदायतें दूंगा कि मेरा बेटा जीत जाए। गुड्डू बेटा एनर्जी बना के खेला, एनर्जी। राइट ऑन। बलिया
संतरे का फ्रेश जूस निकाल के लगोटू के लिए, और सुनो 3 चम्मच ग्लूकोज के। जल्दी से आ। अरे बेटे को जिताने का परम उपाय मेरे पास है। क्या है आपके पास? गुड्डू, कृष्ण भगवान का ये चरणामृत पी लो, फिर विजय तुम्हारी होगी। तुम समझती हो मूर्ति के पैरों की धोवन पीकर मेरा बेटा मैच जीत जाएगा? जरूर जीतेगा, भगवान जिताएंगे उसे। भगवान जिताएंगे? श्रीमती जी, अगर दूसरी टीम के 11 खिलाड़ी भी वो धोवन पीकर मैच खेलने चले आए तो आपका भगवान किसे जिताएगा? बोलिए बोलिए, किसे जिताएगा? ये तुम्हारा कोर्ट नहीं वकील साहब, बहस मत करो, विश्वास की बातों में तर्क नहीं चलता। आज मेरा विश्वास परख के देखो बेटे, ये चरणामृत पी लो, जीत तुम्हारी ही होगी। ओके, ठहरो गुड्डू। देखो श्रीमती, तुम अपना अंधविश्वास अपने तक ही रखो, ये भगवान की भक्ति का जमाना नहीं, साइंस की शक्ति का जमाना है। गुड पॉइंट। तुम्हारी जिद पर मैंने तुम्हें इस बंगले में पूजा घर बनाने की इजाजत दे दी थी, मगर अपने बेटे को गुमराह करने की इजाजत कभी नहीं दूंगा, समझे? क्या गुड्डू, सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं? उसे राह सुझाने का अधिकार सिर्फ तुम्हें, मुझे नहीं। दोनों का हूँ माई बाप, दोनों का। मम्मी ये देखिए, ये रहा आपका चरणामृत, और डैडी ये है आपका संतरामृत। अब इन दोनों का घोल बनाकर यूं मैं इसे इस ढोल में डालता हूँ। अब तो ये मैच मैं ही जीतूंगा ना, माई एंड बाप। थैंक यू। मेरी स्ट्रेटेजी से खेलता तो कम से कम 3 गोल से जीत चुका होता। अपनी स्ट्रेटेजी को मारो गोली विक्रम, और मैच देखो। अरे क्या देखो मैच को, मेरी तरह देख ही नहीं रहा है वो। बेईमान, आपकी तारीफ न जान ना पहचान, लगे मुझ पर टाइटल चिपकाने। ये मेरी कजिन है सलीना, सिटी आर्ट्स कॉलेज में कमर्शियल आर्ट स्टूडेंट। मार्शल आर्ट स्टूडेंट भाइयों? नहीं नहीं, कमर्शियल आर्ट स्टूडेंट, पेंटर बनना चाहती है। आप इनको फाइटर बना दीजिए, बहुत नाम कमाएंगे। बेईमानी के खिलाफ जरूर फाइट करूंगी, तुमने पहला गोल ऑफसाइड से किया था। हाँ भाइयों, हमारे सारे रेफरी और लाइंस में नंदे हैं, इस ग्राउंड में सिर्फ इन्हीं की आंखें हैं। कम ऑन प्लीज पुडिंग सिंह, अपनी कॉलेज की हार कबूल भी कर लो। हाथ मिलाओ गुड्डू से प्लीज। हेलो, सब बोलो मार्शल आर्ट स्टूडेंट। रुको एक मिनट कलीना। अरे यार, छोकरी के पीछे क्या पड़ा हुआ है? चलो टीम का ग्रुप फोटो निकालते हैं। चलो चैंपियंस की फोटो। सोनिया कम ऑन, सुने कमान, मैं बोर हो रही हूँ। Hey young lady. Yes. साइंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। जी नहीं, सिटी कॉलेज में। माँ बाप आपको कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजते हैं या खुल्लम खुला इश्कबाजी के? वैसे पूछने वाले आप कौन हैं? लोग अपने इश्क का इजहार अपनी आंखों से करते हैं, मगर आप किस बेहूदगी से पूरे ग्राउंड में अपने इश्क का इजहार कर रही हैं? आप क्या बकवास कर रहे हैं, कहीं आप पागल तो नहीं है? हद हो गई रहमान,
मुझे पागल कर रही है लड़की, बेबाकी, बेगैरती, बेशर्मी, बेहूदगी की हद हो गई। ये क्या बेवे का पहाड़ा पड़ा है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप वही कहती हैं जो आप लिखती हैं, और आप वही लिखती हैं जो आप करती हैं, समझी? मैं समझाता, यानी कि ये असल में ये कुछ भी नहीं कह रहे मेम साहब, जो कुछ कह रही हैं आप ही कह रही हैं, आप सच कह रही हैं। हे फाइनल जी, ये तो लेते जाइए, आपकी ड्रेस का एक छोटा सा टुकड़ा। तुम अंदर नहीं चलोगी? नहीं, तुम जाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। ओके, मैं बस गई और आई, ठीक है। आप यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, आप यहाँ कैसे? आप होते कौन मेरे से सवाल पूछने वाले? जाइए अपना काम कीजिए। काम? अरे लड़की, जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं गुड्डू का बाप। अरे होंगे, मैंने आपसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा। हद हो गई दीदा दिलेरी की, एक तो मेरे बेटे की पीछे पड़ी हो। आपके बेटे के पीछे? जनाब, आपको अपने बेटे के बारे में बड़ी गलतफहमी है। आए, लड़की लड़की, जानती हो मैं इस शहर का सबसे बड़ा वकील हूँ, चोर के दिल की बात तक समझ लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि गुड्डू की कॉलेज की सारी लड़कियाँ उस पर डोरे डालती फिरती है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुड्डू बाप का एक फरमा बरदार बेटा है। वो तुम लोगों की बातों में नहीं आएगा। अरे क्या समझती हो अपने आप को? अरे क्या आप देवे लगा रखे? वो नहीं मानेगा तुम लोगों की बात। वो मुझसे पूछो तो मैं कुछ नहीं करता, वो तुम लोगों के झांसे में नहीं आएगा। कौन थी ये? ये अपने नंदलाल जी से पूछो। कृष्ण की भक्ति में रचकर आपने भी एक मुरली मनोहर को जन्म दे दिया है। कॉलेज के कन्हैया है ये, कॉलेज के कन्हैया। ये तो सिर्फ दो थी, और भी होंगी। क्या रे? ए, क्या बोल रहे? पिताश्री, माताश्री की बारी। थैंक यू। क्या? पूजनीय माताश्री और आदरणीय पिताश्री, आप लोग कॉलेज में पेरेंट्स डे फंक्शन के लिए तो आ ही रहे, तो वहाँ पे आपका ये बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया, मुरली मनोहर, बाकी सारी गोपियों से भी आपकी मुलाकात करा देगा। वन बाय वन। ये अपनी माँ को दिखाना, रासलीला देखने का शौक इन्हें है, मुझे नहीं। अच्छा माताश्री, आपको रासलीला पसंद है? तो होने लो, हसी दिखा दे तू अनु। ये लाओ जी पिताश्री, ए वेखो रासलीला। किसकी तस्वीर बना रहे बेटे? मामा जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया, ये तस्वीर हिटलर की है। हिटलर? अरे पर हिटलर की नाक तो नोकीली और कौवे की चोंच की तरह थी। इस नए हिटलर की नाक गोल है, बिल्कुल तोते की चोंच की तरह। अच्छा, कौन सा हिटलर है भाई? सलो, अभी तुम तैयार नहीं हुई, तुम्हें मेरे साथ कॉलेज सोशल में चलना है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे कॉलेज में सब अजनबी होगी मेरे लिए, मैं वहाँ क्या करूँगी? तुम मेरे साथ रहोगी, लौटने तक शायद देर हो जाए, अकेली कैसे लौटूंगी? मामा जी को ले जाओ। बेटी के लिए इनके पास वक्त कहाँ, आज तो 8 बजे इनको किसी का सर तोड़ना है। सर तोड़ेंगे मामा जी? अरे बेटा, सर तोड़ना तुम्हारी मामी का नाम दिया हुआ है, मुझे एक ब्रेन ऑपरेशन करना है। तुम चले जाओ सोनिया के साथ, चलो जाओ। बाय। बिल्कुल नहीं गिरेगी, लगी 50 रुपए की शर्त। चलो छू मंत्र जादू, खाली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली, नहीं गिरी। इस बेवकूफ की बात पर तालियां, लाइए 50 रुपए, 100 रुपए के लगाते हैं साहब। चल जल्दी निकाल 50 का पत्ता, बड़ा भाट फिर से बैठ लगाता है। अरे लगा लेना एक बार, क्या है क्या इसमें? केमछो ओ भाई छे भाई, अरे गुड्डू आप तो कब से ढूंढता है ना? इनके पास आप जा दो के मार इन डिडली। अरे गुड्डू तो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, मेरे साथ बैडमिंटन का पार्टनर बनेगा। अरे मामा, तुमको पार्टनर का क्या जरूरत है, तुम तो सिंगल ही डबल का बराबर है। और ये लो, जाओ चुड़िया के साथ खेल। बोलगा बोलगा, कमबख छा गए सारे के सारे कॉलेज पर, कॉलेज की सारी लड़कियां इसी पर मरती है। इसमें स्टैंडर्ड की कोई लड़की नहीं यार। देखिए मेहरबान कदरदान, इस सिक्के की एक तरफ टेल्स और एक तरफ हेड्स है, लेकिन मैं अपनी जादूगरी से इसके दोनों तरफ हेड्स बना दूंगा। छू हेड्स हेड्स हेड्स, अब गायब करके दिखाओ, ये देखो अब ये गायब हो जाएगा। छू
रही है मार्वल स्टैंडर्ड की सोनिया। लेकिन सोनिया के साथ ये सुपर मार्वल कौन है? हेलो सोनिया। ये लड़का फेकू है। गुड इवनिंग। ये मैच चालू है। हेलो सोनिया। ये सब बदमाश हैं। अरे तू जब से कॉलेज में घुसे तब से यही कह रही है ये फेकू है, चिपकू है, भोंदू है। तेरे कॉलेज में कोई हीरो नहीं क्या? हेलो, आपने मुझे याद किया। हाँ सोनिया, सोनिया मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमसे मैच हारने के बाद ये हमारे कॉलेज सोशल में आएंगे। मैं लेके आई हूँ, मुझे बधाई दो। कांग्रेचुलेशन एंड मोस्ट वेलकम। आज भी आप हाथ नहीं मिलाएंगे? आई वॉन्ट। अरे वो नहीं तो हमसे मिला लो। आपसे मिलाता हूँ, ये लीजिए। मिलाइए मिलाइए, जाइए। ए माइकल जैक्सन क्यों लाते इधर? बात सुन। ओह यस। माइकल जैक्सन का गायब हो गया। बोलो ए किधर है? एगडू तेरा तो काम बन गया यार। वो देख बैठी है अकेली, जा पटा ले। अरे यार पटा कैसे लूं? अरे पटा लेना। क्या बात करता है यार, डर लगता है मुझको। अरे समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता अकेला यार। अरे बाप रे, वो तो इधर ही आ रही है। हां यार मैं जाता हूं। ए तू का जरा रुकना। अरे नहीं यार, रुकना 2 मिनट। बाय बाय। ए रुकना, ए तेरी गाड़ा बाय बाय की। तो मैं मिस्टर कौन? ओ सलीना जी, हाय। दूर से क्या देख रहे थे, पास क्यों नहीं आए? आप चाहती थी कि मैं आपके पास आ जाऊं? मजबूरी है। तुम्हारे सिवा किसी और से पर्चियां भी तो नहीं। ओ ये मैं अकेली बैठी थी और सोनिया को प्रिंसिपल ने बुला लिया। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि पास आके मुझे कंपनी दो? क्या यही सभ्यता सीखी है तुमने कॉलेज में? आपने शायद नोट नहीं किया, ये सभ्यता कॉलेज नहीं है, साइंस कॉलेज है। सभ्यता आप सिखा दीजिए। सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इस भीड़भाड़ से दूर कहीं तन्हाई मिले चलो। यू मीन अलोन? जस्ट यू एंड मी? ओह आई, आइए ना, हियर कम। हमारे कॉलेज में इससे ज्यादा तन्हाई की जगह और दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इधर हमारे प्रिंसिपल साहब अपने कुत्तों के साथ अकेले रहते हैं, यू नो बाबाओ। आइए आइए आइए, इधर से आइए। इसका मतलब है आपको कुत्तों से डर नहीं लगता ना? या कोई जादू किया है अपने कुत्तों पर? ना, ना ना, आप गलत समझ रही हैं। जादू नहीं, चमत्कार। इसलिए कॉलेज में लोग मुझे गुड्डू बाजीगर करू चमत्कारी के नाम से ही जानते हैं। सॉरी, आप यहाँ बैठिए। ये आप क्या लगा रखी है? तुम कहते जबान घिसती है क्या? पहले दिन कैसे कहा था? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स सिरिमी, तुम यहाँ बैठो। बैठ गई तो ठंडी पड़ जाऊंगी। ठंडी पड़? आपका इरादा तो नेक है। इरादा नेक है। गुड। तुम्हें फटकारने का? जी जी हाँ, इसे सभ्यता कहते हैं। किसी को फटकारना हो तो पब्लिक में नहीं, तन्हाई में आके फटकारा जाए। तभी आप मुझे यहाँ तन्हाई मिलाई। मैं समझा शायद हम दोनों के बीच में कुछ डिवेलप। मेम साहब, उस दिन फुटबॉल ग्राउंड्स पर आपने मुझ पर बहुत सारे टाइटल चिपकाए थे, क्या आज धोखे से इस तन्हाई में लाकर कोई नया टाइटल चिपकाने का इरादा? तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस बाप को। मेरे डैड को? अरे हिटलर है हिटलर। आप तो चढ़ती जा रही है। बिल्कुल चंगेज खान। खामखा धौंस जमाए रहते हैं। श्रीमान समझते किसी गुलफाम को, इंद्रलोक के किसी राजकुमार को जन्म दे बैठे हैं। कोई फिल्म का हीरो जिसे देखकर लड़कियां लट्टू हो जाती है। अरे की सारी वो समझते हैं कि मैं तुम पर मर मिटी हूँ। आप अभी तक मरी नहीं। नो चांस। उसे कह देना कि मैं तुम्हें इतना थोड़ा इतना भी नहीं चाहती हूँ। इतना भी नहीं, ठीक है। कह दूंगा और ये भी कह दूंगा कि मुझे चाहना तो बहुत दूर। आप जब मेरी शक्ल देखती हैं तो तुम्हारे दिल में आता है कि तुम मुझे कच्चा चबा जाओ। बिल्कुल। तुम हंसी क्यों? एक
एक बात याद आ गई, मैंने उस हिटलर महाराज की एक खूबसूरती तस्वीर बनाई है, कभी घर आना तुम्हें दिखा दूंगी, तुम भी खुश हो जाओगे। हिटलर महाराज को भी साथ में ले आऊंगा, उन्हें भी दिखा देना, वो भी खुश हो जाएंगे। भोंदू, कोई अपने आप को हिटलर के रूप में देखे खुश होता है? वो मेरा कान मरोड़ देंगे। हो सकता है तुम्हारा मुंह भी चूम ले। भाई अगर तुम मेरी तस्वीर बनाती ना, मैं तो तुम्हारा मुंह चूम लेता, और अगर इजाजत हो तो एडवांस के तौर पर एक सैंपल पेश करो। मैं तुम्हारी तस्वीर कभी ना बनाऊ? हाँ हाँ, तुम क्यों मेरी तस्वीर बनाने लगी? तुम तो समझती हो कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मुझसे नफरत करती हो। नफरत? मैंने ये कब कहा? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। वैसे तुम दिखने में बुरे नहीं हो। अब अच्छा लगता हूँ ना? कुछ कुछ। मैम सब ऐसे ही मिलते रहिए, धीरे धीरे ये कुछ कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। इसी बात पे हाथ मिलाइए ना। अब हाथ मिलाए हैं तो दिल भी मिला ही लीजिए। क्यों, चालू का टाइटल लेना है आपको? तो आपको हमारे कॉलेज के टाइटल्स के बारे में मालूम है? वेरी गुड, आई लाइक इंटेलिजेंट गर्ल्स। अब जब हमारे कॉलेज के बारे में आपको इतना ही मालूम है, तो क्यों नहीं हमारे कॉलेज के पेरेंट्स फंक्शन में भी आप शामिल हो जाती होंगी ना? प्लीज लेट्स गो, वन मिनट। प्यारे जरा देख तो ले, हाय माल है क्या रे जरा देख तो ले, दिल है प्यारे जरा देख तो ले, माल है क्या रे जरा देख तो ले, एक अदा एक हसी, दिल के दाम बस यही, पास तो आ रे जरा देख तो ले, माल है क्या रे जरा देख तो ले, दिल है प्यारे जरा देख तो ले, हाल है प्यारे जरा देख तो ले, एक अदा एक हंसी, दिल के दाम बस यही, पास तो आ रे जरा देख तो ले, हाल है प्यारे जरा देख तो ले, दिल है प्यारे जरा देख तो ले, हाल है प्यारे जरा देख तो ले। जिंदगानी दिल का नाम, नौजवानी दिल का नाम, चल रहा इसके दम से आशिकी का सारा काम, जिंदगानी दिल का नाम, नौजवानी दिल का नाम, चल रहा इसके दम से दिल है प्यारे जरा देख तो ले, माल है प्यारे जरा देख तो ले, हाय दिल है प्यारे जरा देख तो ले, माल है प्यारे जरा देख तो ले, शबाब आया है जा...
जवाब इसका नहीं लाजवाब आया है। ये सच है तुझ पे गजब का शबाब आया है। मेरी तो दुनिया में एक इनकलाब आया है। साल तो दिन काटे अब कटे ना एक एक पल। या तू अपने संग ले जा या तू मेरे संग ही चल। सोलह साल तो दिन काटे अब कटे ना एक एक पल। या तू अपने संग ले जा या तू मेरे संग ही चल। तोड़ दे आ सारी रस्म अब ये दिल नहीं मेरे बस में। दिल है प्यारे जरा देख तुले हाल है प्यारे जरा देख तुले। एक अदा एक हंसी दिल के दाम बस यही। पास तो आ रे जरा देख तुले हाल है प्यारे जरा देख तुले। शास्त्र का वो कथन पूरा मत होने देना भगवान। रक्षा करना कृष्ण मुरारी, मुझे वो दिन कभी मत दिखाना। ओ मम्मी मम्मी गुड्डू अचानक दर्द कैसे हो गया बेटा? आसन करते करते बलिया बलिया बाजार गया है मलकिन। गुड्डू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। साहब को डॉक्टर साहब को जल्दी फोन करके बुलाओ। अच्छा मलकिन हम कहीं देख है बहुत दर्द हो रहा है मम्मी कुछ कीजिए। कृष्ण मुरारी ठीक हो जाएगा बेटा। हंसल रक्षा करना कृष्ण मुरारी दया करना। क्या हुआ बेटे कैसे तबीयत? सर मैं बहुत तेज दर्द उठाता डैड। नाउ आई एम ऑल राइट। आई होप नथिंग इज सीरियस डॉक्टर। डोंट वरी मिस्टर बहादुर, कुछ दिन ये दवाई देते रहिए, ही विल बी फाइन। शीर्षासन इन्हें सूट नहीं करता, इन्हें छोड़ देना। ओह यू मीन स्टैंडिंग ऑन द हेड। मैं तो पहले ही कहती हूँ इतना उल्टा सीधा करता रहता है ना। ओके कुछ दिनों के लिए शीर्षासन दिमागी स्ट्रेन से बचे, कुछ दिन रिलैक्स करे, सैर करे और हो सके तो इन्हें कहीं वेकेशन पर ले जाए। वो मैं खुद ले जाऊंगा। क्रिसमस की छुट्टियां आ रही है बेटे, हम तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जाएंगे। अरे वाह, स्विट्जरलैंड तो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है डैड। धरती पर स्वर्ग माना जाता है। मिलकर खूब स्कीइंग करेंगे। हाँ, हम तीनों करेंगे। वाह। ओके मिस्टर बाज। हाँ डॉक्टर आइए मैं छोड़ता हूँ। आइए। ए, ये टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हो बलिया? टेढ़ा बना दिया गया तो सीधा कैसे चल सकते? क्या हुआ? कल से मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा मालकिन। लेकिन हुआ क्या तुझे? अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा। वहाँ एक सुसरी मिल गई तो लोगों ने ये हालत बना दी। बलिया एक लड़की मिल गई। तूने लड़की को छेड़ा? नहीं नहीं छेड़ा नहीं, तू तो खरीद रहा था। ये लीजिए।
इसमें मेरा सामान है ना, सारी गेम्स है ना मेरी। ये तू मेरे लिए आया बोलिया? हाँ बाबा। ठीक से देख कर दे, ये क्या लेकर आया तू? तो औरतन वाला सीना लंगोट है बाबा। और ये सब क्या है? ये लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक नहीं है, नेल पॉलिश है। पूछना जरा कहाँ से होके आई है? ये चमत्कार कहाँ हो गया बाबा? क्या? अगर बॉल पकड़ने का इतना ही शौक है तो अंदर आ जाओ ना। हमें पानी बिताने का शौक नहीं जनाब। फिक्र मत करो, अगर आप डूबोगे ना तो आपका ये गोटू मोटू बचा लेगा आपको साला। हम पानी में नहीं आसमान में तैरते हैं। ओ आसमान में, हे प्रभु अगले जन्म में इनको गिद्ध बनाना ताकि इनका ये आसमान में तैरने का शौक पूरा हो जाए। और तुम्हें किधर? बुद्धू मैं अगले जन्म की नहीं इस वेकेशन की बात कर रही थी। इस वेकेशन की बहुत मजा आया है ना। हे गोटू पकड़ सोनिया। आई शुभ प्रभात माताश्री, शुभ प्रभात पिताश्री। बुड्डू तुम्हारे डैडी अखबार पढ़ रहे हैं, इसे बंद कर दो। माँ जी मेरा दिल तो करता है कि ये गाना मैं दिन रात सुनता रहूं। जानती हैं इस गाने ने तो मेरी विचारधारा ही बदल डाली है। I am proud of you my son। शुक्रिया पिताश्री। भारत के हर देश प्रेमी को यही मानना चाहिए कि हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश। हाँ फिर तो स्विट्जरलैंड को मारी गोली पिताश्री। अब हम अपनी छुट्टियाँ अपने प्यारे देश में ही मनाएंगे। सारे जहाँ से अच्छा। अरे ले, अरे ले, अरे टिकटें बुक हो चुकी हैं। रद्द कर दीजिए पिताजी, रद्द कर दीजिए। क्या आप अपने महान भारत के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे एक बार अपने दिल से अपने महाभारत के बारे में सोचिए पितामह जी। पिताश्री भारत का सेब मीठा। अपने बेटे की बातें सुन रही हो श्रीमती जी? इस पिद्दी ने छोटी सी उम्र में जिरह करना कहाँ से सीख लिया? वकील का बेटा है मालिक, बातों के जाल में फंसना उसके खून में शामिल है, पैदाइशी आदत। उही रहा के अबे चोर। बाजी बाजी अब तो मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता सिवाय सारे जहां से अच्छा बली हिंदुस्तान। भैया सामान उतारना। जी साहब। हाय गुड्डू। हाय गुड्डू। हाय सोनिया। हाय सलीना। अंकल आंटी को चाय पी लिया, साथ में चाय पीते हैं। जरूर अभी। डैड मुझे नहीं मालूम था कि ये लड़कियां यहाँ पर होंगी, लेकिन मुझे पता चल गया, तुम्हारे देश प्रेम का राज मुझे पता चल गया। कौन सी खूबसूरती तुम्हें स्विट्जरलैंड से यहाँ खींच कर लाई है पता चल गया। अच्छा गुड्डू इस खूबसूरती का नाम क्या है, सलीना या सोनिया? मम्मी यहाँ तक खूबसूरती का सवाल है ना, इस दुनिया में मेरी मम्मी से ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। चलो चलो मम्मी जल्दी चलो, मुझे अंदर चल के नहाना है। अच्छा अच्छा नहा लेना। नहीं मामा जी प्लीज इनका मत दिखाइए। देखिए ये देखिए मामा जी। और
और ये देखिए, ये देखिए कंस, देखिए कितनी अच्छी आर्टिस्ट है हमारी भांजी है खान। तो मैं तुम्हें हिटलर और चंगेज खान दिखता। जानती हो इसकी तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? आप मेरा कान मरोड़ेंगे ना? नहीं, तुम्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तुम वाकई लाजवाब आर्टिस्ट हो। देखा सलीना, मैंने तुमसे कहा था ना, हो सकता है डैडी तस्वीरें देख के तुम्हारा मुंह चूम ले। मम्मी, सलीना वाकई बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप भी इसका मुंह चूम लीजिए। आप अगर दूर बैठी हो तो ये काम मैं कर देता हूँ। यंग मैन, ऐसे ये जो सलीना किसिंग योजना बनाई है अपने माँ बाप तक ही रखना। अरे भाई, अच्छी बात तुम लोग इस हिल स्टेशन पे आ गए। ये लड़कियाँ रैडी के लिए जाना चाहती है, गुड्डू इनके साथ चला जाएगा, हम कुछ और प्रोग्राम बना लेते हैं। मुझे एकदम चैंपियन अल्फू घोड़ा चाहिए क्या? राइट, चल 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 चल, जल्दी बाहर निकाल, जल्दी बाहर निकाल, गेट खोल, आ जा मेरे अल्फू बाहर, आ जा मेरे हीरो, मेरे शेर। वेरी गुड, अब तेरा ही सारा बेटा। यस, ए तो नहीं, अभी काम करने का है। चल 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 चल, मौसम बहुत अच्छा है। हाय सोनिया, चल। हाय, मैं राइडिंग में सलीना की तरह एक्सपर्ट नहीं, कोई सीधे गड़े जाना मुझे। हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो, ये घोड़ा राजगौ माता का अवतार है, तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट है। चलो बिठा देता हूँ। चलो इधर आओ, आराम से इधर पैर रखो। वेरी गुड, चल मोती रेडी। सोनिया, मेरी गर्दन से अपनी पाँव की माला निकाल कर आगे खोलो, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे नहीं जाना इस घोड़े पे, मुझे किसी भी घोड़े पे नहीं बैठना। नहीं नहीं, अच्छा है, पैनोरमा पॉइंट तक पहुंचने के लिए घोड़े की सवारी जरूरी है। मुझे पैनोरमा पॉइंट नहीं जाना। मामा जी मैं क्या करूं, मैंने इस पॉइंट पे बेटी का सारा सामान भेज दिया है, बड़ा अरमान था कि मैं। जाओ बेटी जाओ, अपने अरमान पूरे करो, सोनिया नहीं जाती तो क्या हुआ, गुड्डू है ना तुम्हारे साथ, जी भर के पेंटिंग करो, जाओ। नहीं चलो, तुम लोग इधर आ जाओ। पक्का नहीं चलना सोनिया? बाय 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 बाय। यारी सोनिया साथ में चलती तो मजा ही आ जाता, लेकिन क्या करें, जब घोड़ा नहीं राजी तो क्या करेगा काजी। चल भाई चल 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 चल, सोनिया बाय। हिटलर का तो कोई बेटा था ही, इस हीरो की तस्वीर को क्या नाम दूं? मेरे बाप को तो हिटलर और चंगेज खान बनाया था, मुझे इतनी दूर बिठाकर क्या बना रही है? मेरे बाप ने तो इसको चूमा था, पता नहीं मुझको क्या करना पड़ेगा। हाँ, लंगूर कैसा रहेगा? इसको पता नहीं, बंदर चूमा नहीं नोचा करते हैं। Could you be serious? तुम्हें क्या बनना है? मुझे तो मच्छर बनना है, ताकि तुम्हारी नाक में घुसकर उसमें दम कर सकूं। ओहो, तुम साइंस कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि डैडी चाहते हैं। और तुम क्या चाहते हो? जो डैडी चाहते हैं। यानी कि तुम्हारी कोई मर्जी नहीं, तुम अपना करियर खुद नहीं चुन सकते? अरे भाई, अगर डैडी ने चुना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो भी फैसला माँ बाप करें वो गलत ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बच्चा बड़ा होकर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाए। तुम अपनी पेंटिंग करो, चलो। मैं अपनी पेंटिंग से बहुत नाम कमाना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि एक दिन मेरी पेंटिंग की नुमाइश पेरिस में हो। ये सपने देखने का टाइम नहीं है, यहाँ से दुम दबाकर भागने का टाइम है, चलो जल्दी करो। पागल हो गए क्या? पागल मैं नहीं, पागल ये गंगोर घटा हो गई है, देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, बारिश होने वाली है। अगर हम यहाँ पर टिके रहे ना तो इस कैनवस पर जन्म लेने से पहले इस बारिश में मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। चलो जल्दी करो फटाफट। हाँ उठाओ इसको, बारिश से बचाना चाहिए। हाँ ये लो जैकेट डालो इस पे, चलो चलो जल्दी चलो इस तरह। वो देखो सलीना सामने गुफा है, वहीं चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो।
क्या देख रहे हो तुम्हें? अभी घर लौटा तो मुश्किल है, सारी रात यूं ही बैठे बैठे एक दूसरे को देख रहेंगे। अरे रात की क्या बात कर रही, अगर तुम कहो तो तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही देखता रहूं। भूख प्यास नहीं लगेगी? उड़ गई। कारण? पता नहीं। तुमको अभी भी ठंड लग रही है? हाँ। मुझे एक तरीका आता है ठंडी मिटाने का। वो कैसे? जिस्म से जिस्म को गर्मी पहुंचाना। तुमको नहीं मालूम? नहीं। अरे कमाल है, कितना फेमस तरीका है, मेरे डैडी ने बताया था। खड़ी हो खड़ी हो, मैं तुमको भी सिखा देता हूँ। ऐसे, अब जरा मेरे करीब आ जा। ऐसे, वेरी गुड। और ये हाथ यहाँ पर रख दो। लग रही है? पक्का इसे ठंड नहीं लगेगी? बिल्कुल, ऑलरेडी तुमको ठंडी में पसीना आ गया। अच्छा? हाँ, देखो ना, ये यहाँ पर, यहाँ आ गया है, यहाँ पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे। यार यही प्यार तो नहीं, कैदी से पूछूंगा। तन पे बर्फ ढले, जिगर में आग जले। यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछ लेना। ठंडी में पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे। यार यही प्यार तो नहीं, अरे डैडी से पूछूंगा। तन पे बर्फ ढले, जिगर में यार यही प्यार तो नहीं। पसीना चले ना भूख ना प्यास लगे। अरे यार यही प्यार तो नहीं, अरे डैडी से पूछूंगा। तन पे बर्फ ढले, जिगर में आग जले। अरे यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछ लेना। हाँ
दिल क्या चाहे कह नहीं पाए, तेरे बदन से लिपटा जाए। हाल हमारा खुद ही समझ लो, आगे कोई अब क्या समझाए। दिल क्या चाहे कह नहीं पाए, तेरे बदन से लिपटा जाए। जिगर में आग जले यार, यही प्यार तो नहीं। अरे डैडी से पूछूंगा, सन पे बर्फ ढले जिगर में आग जले। अरे यार यही प्यार तो नहीं, डैडी से पूछ लेना। ठंडी में पसीना चले ना, भूख ना प्यास लगे। अरे यार यही प्यार तो नहीं, अरे डैडी से पूछूंगा। क्यों परेशान हो रही हो? देखो बारिश थम गई है, गुड्डू वापस लौट आएगा। आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने गुड्डू को राहु काल में जाने दिया। मैंने उसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले लौट आना, और वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मुझे लगता है जरूर किसी संकट में फंस गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। कैसी बातें करती रहती हो तुम हमेशा। साहब जी गजब हो गया। क्या हुआ? बाबा और बेबी जिन घोड़ों पर गए थे दोनों घोड़े खाली वापस लौट आए। क्या? अच्छा तुम घोड़े तैयार करो, मैं आता हूँ। जी सर। और वैसे ये कुंडली में मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं महाराज? अल्पायु योग। वो क्या होता है? जिस कुंडली के आठवें घर में नीच का शनि होता है, ऐसे बच्चे पूर्ण आयु को नहीं पहुंचते। क्या बकवास बंद करो, तुम लोगों की उम्र के ठेकेदार हो क्या? श्रीमती जी, तुम किस घनचक्कर को घर में ले आई हो? हमारे गुड्डू के बारे में कैसी मनहूस बातें कर रहा है ये? एक मिनट महाराज, ये बताइए कि इस विपता का कोई तोड़ नहीं है क्या? है एक तोड़। हमारे भृगु शास्त्र के अनुसार बालक का पिता एक यज्ञ कराए, जिसमें पंडितों से महामृत्युंजय का 111,000 बार जाप कर। समझ गया। उस जाप के बहाने आप मुझसे मोटी रकम वसूल करना चाहते हो? ये क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, मैं खुद कर लूंगा जाप, और 11,000 बार तुम जैसे पंडितों पर लानत भेजूंगा। सुनिए पंडित जी, ले लीजिए अपनी दक्षिणा और दफा हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप महाराज? देखिए जी, मैं जो कह रहा हूँ आपके बच्चे की भलाई के लिए कह रहा हूँ। एक दिन आपको इस पंडित की बात जरूर याद आएगी। गेट जाओ। पंडित जी। मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अरे भाई, तुमने मेरी बहुत बड़ी फिक्र दूर कर दी, थैंक यू। किसका फोन था? वो घोड़े वाले का फोन था, मिस्टर बहादुर गुड्डू और सलीना को लेने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं। पापा वो लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, वो कल रात को बारिश की वजह से उन्हें बाहर रहना पड़ गया। हाँ, अच्छा, बारिश की वजह से या कोई और ही वजह थी? बालती, सोच समझ के बात किया करो। सोचना समझना तो तुमने छोड़ दिया है, भेज दिया भांजी को अकेले एक जवान लड़के के साथ। बकवास बंद करो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मम्मी गुड्डू मम्मी गुड्डू मम्मी हाय मम्मी हेलो तू आ गया मेरे बच्चे। मैं रात भर भगवान से तेरे लिए प्रार्थना करती रही, आखिर उसने मेरी सुनी ली। हाँ, सुन रहे हो? अपनी माँ की बातें सुन रहे हो? इनके हिसाब से इनकी प्रार्थना ने ही तुम्हें यहाँ पर भला भला चंगा करके वापस लौटाया। वाह, वरना कल रात तो अनर्थ हो गया हो। एब्सोल्युटली, ज्योतिष विद्या के अनुसार कल रात तुम पर भारी संकट टूटने वाला था। कोई संकट नहीं टूटने वाला था मम्मी, थोड़ी सी बारिश हो गई, हम फंस गए। आप बेकार ही डरा करती हैं। अरे इंतजार क्यों न कर रहे? इनका अंधविश्वास जो जिंदाबाद, जो इंसान से उसकी समझ बूझ लेता है, उसे निराशावादी बना देता है। एक मिनट,
बुजदिल बना देता है। नहीं सोनिया। हाँ जी। कल मैं और गुड्डू जा रहे हैं ग्लाइडिंग के लिए, चला है? ना ना, घोड़े पर बैठते ही दिल धड़कने लगा था मेरा, हवाई पतंग बलटकी हुई आसमान में उड़ी तो दम निकल जाएगा मेरा। ओहो, अगर आसमान पर नहीं उड़ सकती तो जमीन पर रहकर अपनी बहन को उड़ते तो देख सकती हो। आपको क्या हो गया है जी, लड़की तो घर की शोभा होती है, पढ़ाई लिखाई के बाद उसे घर गृहस्थी की बातें सिखानी चाहिए, आप तो उल्टा अपनी भांजी को लड़का बना दे रहे हैं। मोटरसाइकिल पे जाओ, घोड़े चलाओ, ग्लाइडिंग करो, अगर यही शह देते रहे तो एक दिन पछताएंगे। मुझे फक्र है इस पे, तुमने तो मुझे बेटी दी है ना, लेकिन इस भांजी ने मुझे कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू मामा जी। जाओ भाई जाओ, जरूर जाओ ग्लाइडिंग पे, मेरी तरफ से पूरी इजाजत। हरगिज नहीं, मैं ग्लाइडिंग के लिए इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। मम्मी आप तो बिल्कुल बुढ़ी हो गई है। मम्मी जरा एक मिनट आप समझने की कोशिश करो। मम्मी मैं ना पंछी की तरह पंख पसारे हवा में उड़ना चाहता हूँ, यू नो, पहाड़ों से ऊपर बादलों में। मम्मी असली थ्रिल इसी स्पोर्ट में है, प्लीज। हाँ, और जान का खतरा भी, जरा सी चूक हुई तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आकाश में ना तो कोई नलका है ना कोई तालाब, बस हवा ही हवा है। मम्मी प्लीज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जाने दो। क्या हुआ? आप इसे जान से खेलने की इजाजत दे देंगे क्या? कुछ बोलिए ना, आपको तो पता है बरसों पहले भृगु शास्त्र ने क्या कहा था। पता है पता है। तो फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं, इसे समझाइए ना। अरे समझाने की जरूरत तो तुम्हें है श्रीमती जी, तुम्हें है। क्या मतलब? अरे बरसों से सर फोड़ रहा हूँ मगर तुम्हारे भेजे में तो बात आती नहीं। तुम्हारा ये भृगु शास्त्र, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये ज्योतिष, ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं। तुम चाहती हो कि ज्योतिष रोके तो लोग हवा में ना उड़े और घर बैठे रहे। लेकिन श्रीमती जी, जब भूकंप आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो हजारों लाखों लोग यूं घर बैठे मर जाते हैं, उन्हें क्यों नहीं बचा पाता तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये ज्योतिष, तुम्हारा ये भृगु शास्त्र? बात करती हो। अरे मैडम, यूरोप और अमेरिका में हजारों लोग रोज पंचांग देखे बिना हवा में उड़ते हैं और सलामत वापस लौट आते हैं। हाँ मम्मी, अमेरिका वाले तो जब पहली बार चांद पर गए तो ना तो उन्होंने किसी ज्योतिषी का सहारा लिया और ना ही किसी पंचांग का। Exactly. बस साइंस के जोर पर चांद पर चले गए और आराम से वापस लौट आए, सेफ एंड साउंड। पर मम्मी मैं तो फिर सिर्फ 2-3 हजार फीट ऊपर जा रहा हूँ, जरूर लौट आऊंगा। नहीं। क्यों डैडी? हाँ एग्जैक्टली, मेरी तरफ से तुझे ग्लाइडिंग पर जाने की पूरी इजाजत है। थैंक यू मम्मी डैडी, मैं अभी जाकर सलीना के साथ प्रोग्राम पक्का कर लेता हूँ कल का। और मम्मी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। ऑल द बेस्ट। सलीना साथ न छोड़े।
जंगल पर्वत पांव के नीचे उड़ते रहे हम आंखें नीचे जब तक सांस न टूटे ओ, 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 ओ चले आकाश के पीछे जंगल पर्वत पांव के नीचे उड़ते रहे हम आंखें नीचे जब तक देखो चिड़िया हाथ से निकल जाएगा हाँ कर रहा हूं ना बॉस कर रहा हूं अरे वो चिड़िया जरा मेरे लिए तो रुको ना सड़क सामने ही है पता नहीं क्या होगा लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया तुम्हें लगी तो नहीं ना अरे रुको देखो चिड़िया बच गई अरे हवा में उड़ने वाली चिड़िया को कांटों में कहां घसीट रहा है बजनो ए गुड्डू शहर बहुत दूर है रानी इस कछुए के साथ तो अगले साल ही पहुंचोगी हमारे साथ चलो हम तुम्हें रास्ते में घुमा भी देंगे चलो चोट लगी यार तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं पढ़ी तो जैसे ही शहर पहुंचो वो कहानी पढ़ लेना ओके बाय सलीना तुम ठीक तो हो ना अरे दादा रुको ठीक हो ना अरे दादा मेरी जीप तुम भी वापस आ गए अरे मैं लेकर जा रहा हूँ तुम लोग कह रहे थे ना ये बेचारी पैदल कैसे जाएगी शहर वैसे भी तुम्हें घूमने का इतना शौक था तो घूमते घूमते आ जाना ओके बाय तुमने तो कमाल ही कर दिया उनकी ऐसे धुलाई की जैसे फिल्मी हीरो करते हैं वैसे तुम्हारा फेवरेट हीरो है कौन अरे हिंदी फिल्मों में ऐसा कोई भी हीरो नहीं जो मेरे जैसा हो जानती हो लोग मुझे क्या कहते हैं सुपरमैन कहते हैं करेक्ट वैसे जन्म कुंडली में मेरा नाम विनीत प्रेम बहादुर है यस
लड्डू। कैसी तबीयत है बेटे? सलीना कहाँ है? सलीना इसी अस्पताल में। कैसी है सलीना? मुझे उसके पास ले चलिए प्लीज। गुड्डू रिलैक्स यंगमैन, तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें आराम की जरूरत। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सलीना के पास जाने दीजिए प्लीज। बाद में बेटे, बाद में, पहले डॉक्टर को पूरी तरह से चेकअप तो कर लेने दो। हाँ सलीना ठीक तो है डॉक्टर साहब। ये बताओ गुड्डू, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सलीना और मैं गाड़ी से जा रहे थे कि अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द उठा और मेरी आंखों तले फेरा छा। सर में ऐसा तेज दर्द पहले भी कभी हो चुका है या फिर? हाँ डॉक्टर, यहाँ आने से कुछ दिन पहले उठा था। मिस्टर बहादुर, मेरी राय है कि फौरन गुड्डू के ब्रेन की स्कैनिंग भी कर दीजिए। ये सब बात में कीजिए, अभी मुझे सलीना को देखना है। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे मत रोकिए मम्मी, मुझे मत रोकिए। संभल के बैठो। सलीना कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। क्या हुआ उसको? सलीना कैसी हो तुम? क्या हुआ तुमको? बेहोश है, सुन नहीं सकती। ऑपरेशन कामयाब रहा। सलीना जान बच गई, आंखें नहीं बचा सके। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया मम्मी? मेरी वजह से सलीना की आंखें चली गई। अरे उसकी बजाय मैं क्यों अंधा हो गया? मम्मी मैं ही जिद करके उसे घुमाने के लिए ले गया था। उसे उसे अंधा बनाने वाला मैं ही हूँ। नहीं गुड्डू, उसे अंधा बनाने वाला मैं ही हूँ। शांत शांत हो जा बेटे, शांत हो जा। अब वो पहले जैसा गुड्डू नहीं रहा रहमान भाई। 24 घंटे गुमसुम रहता है मेरा बच्चा। उसे जबरदस्त गिल्ट कॉम्प्लेक्स हुआ है रहमो। सलीना ने जो आंखें गंवाई हैं, उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार समझता है। विक्रम भाई, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, गुड्डू अपने आप को जरूर संभाल लेगा। विक्रम, डॉक्टर भाटिया के साथ कल का अपॉइंटमेंट भूलना नहीं, बहुत ही काबिल न्यूरोसर्जन है। एक अपॉइंटमेंट मिस हुआ तो 15 दिन तक चांस नहीं लगता। एंड डोंट वरी। मिथुन, तेरी और मेरी किस्मत एक जैसी है। तू पिंजरे में कैद है और मैं इस कमरे में। समझ में नहीं आता सरीना बेबी, ये गुड्डू बाबा की अधूरी तस्वीर क्यों टंगवा रही हो अपने कमरे में? अब तुम देख तो सकता नहीं। छू तो सकती हूँ मार्गरेट, अब मेरे पास गुड्डू ना सही, गुड्डू की अधूरी तस्वीर ही सही। सलीना बेबी, आर यू इन लव विद गुड्डू? लव? मैं नहीं जानती लव क्या होता है, इतना जरूर जानती हूँ मैंने गुड्डू के साथ जो वक्त गुजारे वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशगवार लम्हे थे। वो मीठी यादें मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी बिखेरते रहेंगे। गुड्डू आया है, जा मार्केट देख के आना, जरूर गुड्डू आया है। हाँ। जा। नूलक, कोई और ही था। सलीना बेटे तैयार हो जाओ, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। चलो सलीना बेबी, हम आपको तैयार करता है। नहीं मार्गरेट, बिल्कुल अपाहिज बन के नहीं जीना है मुझे, इस घर में छड़े का सहारा काफी है। डॉक्टर साहब, क्या ये सब जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है।
लेट जाइए। लेट जाइए। हाँ थोड़ा राइट बस। ओके ऐसे हाथ। विनीत प्लीज सर मत हिलाना। गुड्डू को बाहर क्यों बैठा दिया भाटिया? मामला सीरियस है। हाँ। लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। इत्मीनान के लिए कुछ और टेस्ट निकालना बहुत जरूरी है। हे कृष्ण मुरारी, मेरे गुड्डू पर दया करना। श्रीमती जी कृष्ण मुरारी को छोड़िए, मेडिकल साइंस में बहुत शक्ति है, कुछ नहीं होगा हमारे गुड्डू को। हाँ डॉक्टर साहब, अगला टेस्ट कब करना चाहेंगे आप? कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके। आप यहां बैठो और अपना अंकल का इंतजार करो, हम आपके लिए फैन ऑन करता। कौन है? कौन बैठा मेरे पास? गुड्डू तुम बोलते क्यों नहीं? मैं जानती तुम्हें हो गुड्डू। गुड्डू तुमने कैसे जाना? भूल गए, बारिश से बचने के लिए हमने सारी रात कैसे गुजारी थी। तब से लेके आज तक तुम्हारी महक मेरे सांसों में बसी हुई है। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की गुड्डू? हाँ क्या बात करता, मेरी वजह से तुम अपाहिज बनी। मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा सलीना। बुद्धू ये कहो कि मुंह छुपाने लायक नहीं रहे, अब तुम्हें हर कुछ देख भी नहीं सकती गुड्डू। रात दिन तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों में समाया रहता है। थैंक यू डॉक्टर नारायण। हेलो अंकल। हेलो सलीना। हाँ चलो चले। गुप्ता जी आप यहाँ कैसे? सलीना को आई स्पेशलिस्ट के पास लाए होंगे। जी हाँ। क्या कहा उन्होंने? सिर्फ एक ही इलाज है, आई ट्रांसप्लांट। अंकल ये आई ट्रांसप्लांट में होता क्या है एग्जैक्टली? जब कोई आंखों वाला अपनी मौत के बाद अपनी आंखें किसी नेत्रहीन को दे दे तो आई ट्रांसप्लांट कहते हैं। सच अंकल? तब सलीना फिर से देख सकेगी। हाँ चलो बेटे। ओके आंटी। कॉलेज में गुड्डू आजकल कैसा रहता है? पहले की तरह हंसता चंचल? ना, खोया खोया सा, उदास। सोनिया ये बाइक तो अपने कंपाउंड में रुकी है, इस बार जरूर गुड्डू आया होगा। चल मुझे जल्दी से कपड़े पहना दे। हाँ। मुझे पूरा विश्वास है गुड्डू आया है। चल। हेलो कोई घर में है? हेलो। ओ तो हेलो आंटी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सलीना के लिए फूल लाया हूँ। उसकी जिंदगी में कांटे बिछाने के बाद उसके लिए फूल लेकर आए हो?
अब जाओ मुंह काला करो, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ठीक है आंटी, अगर आप कह रही हैं तो मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। आंटी तुम चुप रहो, बेशरम तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, निकलो बाहर नहीं तो। मम्मी नहीं, मम्मी आंटी गुड्डू को निकालो, गुड्डू बचाओ। फिर सिर दुखा मुझवा। मम्मी कहाँ है? रहमान साहब आए रहे, उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मालिक भी वही मिलेंगे। बड़ी परेशान गई मालकिन। परेशान? हाँ। ये टैबलेट दिन में दो बार लीजिएगा। जी अच्छा। नहीं, ये नहीं हो सकता डॉक्टर, ये गलत है डॉक्टर, कहो कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये क्या कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमारे बेटे को ऐसा नहीं हो सकता। रिलैक्स रिलैक्स कविता, रिलैक्स। आर यू श्योर डॉक्टर? आपके इत्मीनान के लिए मैं अपने सीनियर से भी ओपिनियन ले लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी यही कहेंगे कि आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है, जानलेवा ट्यूमर, और इलाज है ऑपरेशन। वो ट्यूमर गुड्डू को और कितने बरस जीने देगा? दो चार बरस? जी नहीं, दो चार महीने। गुड्डू के जीवन से निराश मत हो कविता, निराश मत हो। डॉक्टर भाटिया कुछ भी कहे, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा, अपने जीते जी बेटे को मरने नहीं दूंगा, मैं मरने नहीं दूंगा। आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है, जानलेवा ट्यूमर। आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है, जानलेवा ट्यूमर। आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है, जानलेवा ट्यूमर। चार महीने दिए हैं डॉक्टर भाटिया ने गुड्डू को जीने के लिए, सिर्फ चार महीने। तुम्हें साइंस की शक्ति पर बड़ा नाज था ना, आज वही शक्ति जवाब दे गई। तुमने पंडित की बात नहीं मानी, भृगु शास्त्र का मजाक उड़ाते रहे, आज साइंस तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। साइंस पर अब भी मुझे विश्वास है कविता, अब भी विश्वास है। ये भाटिया इस शहर का अकेला डॉक्टर तो नहीं, और भी तो कई डॉक्टर होंगे इस शहर में। मैं तुमसे कह चुका हूँ कविता कि मैं अपने जीते जी अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा। कोई तो डॉक्टर होगा इस दुनिया में जो मेरे बेटे को नई जिंदगी दे सके, मैं उसे खोज निकालूंगा। वो डॉक्टर दुनिया में नहीं है, आकाश पर है। उस महान शक्ति को पुकारो, अब भी समय है, मृत्युंजय जाप कराओ। सुना तुमने? मृत्युंजय जाप कराओ, जाप कराओ। स्टॉप इट कविता, स्टॉप इट। बेटे की मोहब्बत में पागल मत बनो, उसके लिए मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हिस्टेरिकल हो जाती हो और मैं अपने होशो आवाज कायम रखता हूँ, तुम भी कायम रखो। इस वक्त हमारे बेटे को इलाज की जरूरत है, पूजा पाठ की नहीं। छोड़ो मुझे, नास्तिक विचारों से दूर जाने दो, भगवान के चरणों में जाने दो मुझे। बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर।
किसको ढूंढ रहे? अक्स को, उसके अक्स को जो दो चार महीने बाद खुद इस दुनिया में नहीं रहने वाला। कौन हो तुम? मैं परम साक्षी काल, इसलिए तुम मुझे नहीं देख सकते। परम साक्षी काल यानी मौत। क्यों, मेरी बात से डर गए ना? मैं क्यों डरूं? मैं मरने से नहीं डरता और ना ही मुझे मरने का गम है। अगर गम है तो सिर्फ सलीना से बिछड़ने का। और फिर मां ने भी तो हमेशा मुझे सिखाया है कि शरीर का आवागमन तो हमेशा चलता ही रहेगा। आवागमन? लेकिन आवागमन से इंसान तो इंसान, जानवर भी गुजरते हैं, तो इसमें तुम्हारे लिए कौन सी खास बात होगी? खास बात? भूल गए तुम डॉक्टर गुप्ता की उस बात को जिससे तुम मरकर भी जिंदा रह सकते हो। डॉक्टर गुप्ता, सली आई, आई ट्रांसप्लांट। सलीना, मैं तुमको अपनी आंखें दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर जीऊंगा मैं। मेरा प्यार भी मौत के पार होगा, प्यार मेरा जिंदगी पाने को है।
सलीना। ये मुझे क्या होने लगा भगवान? उसकी शक्ल तो इन अंधी आंखों में बसी रहती है, अब आवाज भी कानों में घुसने लगी। ये तुम्हारा भरम नहीं है सलीना, मैंने ही तुम्हें आवाज दी। गुड्डू, कैसी हो सलीना? भयानक अंधेरे से निकलकर इस वक्त स्वर्ग के उजाले में हूँ, तुम कैसे हो? कल तक जिंदा होकर भी जिंदगी से दूर था, लेकिन आज जिंदगी मेरे सामने। गुड्डू, गुड्डू, तुम उस दिन डॉक्टर से मिलने क्यों आए थे? एक खुशखबरी हासिल करने। तुम्हारे भयानक अंधेरे बहुत जल्द मिटने वाले हैं। सलीना, तुम फिर से देख सकोगी। सच? सच गुड्डू, मैं तुम्हारी अधूरी तस्वीर पूरी कर सकूंगी, उसमें उसमें रंग भर सकूंगी मैं। हाँ सलीना, बस 2-4 महीने में तुम्हें आंखें मिल जाएंगी। गुड्डू, तुमने ऐसी खुशखबरी दी है मुझे कि कहीं खुशी से मेरा दम ना निकल जाए। गुड्डू, देखना गुड्डू, मैं इसमें ऐसा रंग भरूंगी कि तुम भी चकरा जाओगे कि असली गुड्डू कौन है। मैंने अपने अंधेरे दिनों में इस तस्वीर के हर रंग को अपने दिल में महसूस किया है। गुड्डू, मैं जानती हूँ तू यहाँ किस लिए आया है, हमारे नाम पर कलंक लगाने। आंटी आप, तूने उस अकल की अंधी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर आंखों से अंधा कर दिया, और अब उसके अंधेपन का फायदा उठाकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहते हो। आपने मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सलीना के बारे में आपने ऐसी गंदी बात की तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? तो मैं आपका खून पी जाऊंगा। क्या क्या कहा? क्या हो रहा है ये? हाँ देखिए, ये हमारे घर में घुस आया बदमाश और मुझे धमकी दे रहा है कि मेरा खून पी जाएगा। सलीना के कमरे में चोरों की तरह घुस गया और आंटी, मैं तो सलीना को खुशखबरी देने आया था कि बहुत जल्द उसको आंखें मिल जाएंगी। सलीना को आंखें? किसकी आंखें? मेरी आंखें। मुझे ब्रेन ट्यूमर है अंकल, और डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि मैं 2-4 महीने ही जिंदा रहूंगा, और मेरे मरने के बाद सलीना मेरी आंखों से दिखेगी। इसे तुम खुशखबरी कहते हो बेटा? मौत मेरे सर पे खड़ी है अंकल, मुझे कोई बचा नहीं सकता। मेरी आंखें चिता में जलकर भस्म हो जाएं, इससे बेहतर है कि मेरी आंखें सलीना की आंखों में जीती रहे। गुड्डू, तुम्हें इस घर में चोरों की तरह आने की कोई जरूरत नहीं। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। कहां गए थे? नींद नहीं आ रही थी डैड, तबीयत घबराई तो बाहर चला गया। हमें बताकर जाते, ये चोरों की तरह उस खिड़की से क्यों लौटे? सलीना से मिलकर आ रहे हो? जी। वहां भी चोरों की तरह खिड़की से कूदकर गए थे? जी। वो नीच हरकत करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ऐसा बच चला निकलेगा। नहीं डैड, मुझे गलत मत समझिए डैड, मैं सलीना को सिर्फ ये बताने गया था कि मरते ही मैं उसे अपनी आंखें दे जाऊंगा। क्या
सलीना को यह खुशखबरी देने के लिए बहुत बेकरार था डैड। सब्र नहीं हुआ तो रात को ही चला गया। तुम्हारी मां ने तुमसे कुछ, तुम्हें यह वहम कैसे हुआ कि कम उम्र में ही तुम चल बसोगे? आप भी जानते हैं डैड कि मैं कुछ महीने ही जीऊंगा। डॉक्टर भाटिया ने क्लिनिक में आपको बताया तो मैं बाहर से सुन रहा। बकता है डॉक्टर भाटिया, उसकी बात को पत्थर की लकीर मत मानो बेटे। जो बाप कहता है उसे मानो। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी परसों जियोगे बेटे, परसों जियोगे। कल डॉक्टर भाटिया का सीनियर सर्जन तुम्हारा केस स्टडी करने वाला है, देखना तुम्हारा मर्ज जड़ से गायब हो जाएगा। उस पर भरोसा रखो बेटे, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सर। हेलो मिस्टर बहादुर, प्लीज सिट डाउन। क्या यही आपके सीनियर हैं? जी हाँ। प्लीज सिट डाउन। मैंने गुड्डू की रिपोर्ट्स और एक्सरे की स्टडी की है। डॉक्टर भाटिया के डायग्नोसिस बिल्कुल करेक्ट है और इलाज है सिर्फ ऑपरेशन। डॉक्टर, ऑपरेशन करने से मेरे गुड्डू की जान तो बच जाएगी ना? ये तो भगवान ही जानता है मिसेस बहादुर, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि अगर ऑपरेशन जल्द ना किया गया तो गुड्डू कुछ ही महीनों का मेहमान है। ये बताइए ऑपरेशन कामयाब होने का चांस कितना है? बहुत कम, अबाउट 5%। भाटिया जी, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन डॉक्टर गुप्ता के हाथों नहीं करवाऊंगा। मिस्टर बहादुर, इतना खतरनाक ऑपरेशन इनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये शहर के टॉप मोस्ट ब्रेन सर्जन है। किसी के मामा भी है ये, पहले से ही मेरे बेटे को बचाने का 5% चांस दे रहे हैं ताकि ऑपरेशन नाकामयाब होने के बाद उसकी मौत का इल्जाम इन पे ना लगे। यू आर इंसल्टिंग मी मिस्टर बहादुर। जो सच है वही कह रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर में आप गुड्डू की जिंदगी नहीं, मौत चाहेंगे मौत, क्योंकि आप जान चुके हैं कि उसकी जिंदगी का चिराग बुझते ही आपकी भांजी की आंखों को रोशनी मिल जाएगी। दैट्स इनफ, अब आप भी सुन लीजिए। वकीलों जैसी फांदेबाजी मुझे नहीं आती। कोर्ट में सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना मेरा पेशा नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं और ऑपरेशन थिएटर में मैं ना किसी का मामा हूं, ना किसी का पति और ना किसी का बाप। ऑपरेशन थिएटर में अपने मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। गुड डे डॉक्टर भाटिया। मिस्टर बहादुर, डॉक्टर गुप्ता को नाराज करके आपने अच्छा नहीं किया। इन जैसे काबिल ब्रेन सर्जन सिर्फ दो चार ही हैं। यूरोप और अमेरिका में दर्जनों होंगे और इनसे भी काबिल। मैं अपने बेटे का ऑपरेशन अमेरिका में कराऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मम्मी, आप डैडी से कह दीजिए मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। गुड्डू, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें अमेरिका जाने से इनकार क्यों है। बेटा, तुम्हारा जितना अच्छा इलाज वहां हो सकता है वो यहाँ तो नहीं हो सकता ना? अरे नहीं चाहिए मुझे इलाज विलाज। मेरे मरने के बाद मेरी कपाल क्रिया के लिए मेरी खोपड़ी तोड़ लेना। क्यों मेरे जीते जी ऑपरेशन के लिए तोड़ना चाहते हैं आप? गुड्डू, मत कर ऐसी बातें जिसे सुन के कलेजा मुंह में आ जाए। तो फिर डैडी से कह दीजिए वो भी मुझे अमेरिका ले जाने की बात ना करें। जो भी इलाज कराना है इसी शहर में कराए और मेरे मरते ही मेरी आंखें सलीना को दे दें। तो तुम ठान चुके हो कि सलीना के लिए तुम्हें मरना है, तो ठीक है, मेरे साथ अमेरिका चलो। अगर तुम नहीं बचे तो तुम्हारी आंखें सलीना को दे दी जाएंगी। मैंने पूछताछ की है डैड, मरने के बाद आंखें जल्दी ट्रांसप्लांट की जानी चाहिए। अमेरिका बहुत दूर है डैड, जब तक आंखें यहां पर पहुंचेंगी सलीना के किसी काम की नहीं रहेंगी। सलीना, 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 क्या वो लड़की ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? हम माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? अरे हमारी इकलौती औलाद हो तुम। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम नहीं रहे तो हम दोनों पर क्या गुजरेगी? क्या हम दोनों की तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? डैड, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए जिंदा कैसे रहूं? मौत तो मेरे सर पर मंडरा रही है ना। मैं सलीना का कर्ज चुकाना चाहता हूं डैड,
अरे मेरी वजह से उसकी आंखें गई। मैं उसे अपनी आंखें देखकर जाना चाहता हूं। अरे उसके लिए दुनिया में सिर्फ तुम्हारी आंखें नहीं हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बहुत जल्द उसे किसी न किसी की आंखें मिल जाएंगी। तुम जीने की कोशिश करो, मेरे साथ अमेरिका चलो। अरे बेकार है वो कोशिश, आप जानते हैं, मम्मी जानती है, मैं जानता हूं कि अब मैं नहीं बचूंगा। डैडी प्लीज प्लीज मेरी आंखें सलीना को देने के लिए राजी हो जाइए। नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। जीने के लिए संघर्ष किए बिना अगर तुम मरना चाहते हो तो मरो। तुम्हारी आंखें चिता पर जलकर भस्म हो जाएगी, मगर सलीना को नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे डैडी को समझा लूंगी, मैं समझा लूंगी। रात का किसका फोन है? हेलो हेलो विक्रम, मैं फजल बोल रहा हूँ। फजल? हाँ, तुम्हारा फैक्स मिला। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, मैंने डॉक्टर केली से बात कर ली है। तुम गुड्डू को अमेरिका कब लेके आ रहे हो? क्या कह रहा है? क्या यार फजल, एक प्रॉब्लम आ रही है। गुड्डू इलाज के लिए अमेरिका आने को तैयार नहीं हो रहा है। उसकी जिद और बीमारी ने घर की शांति को खत्म कर दिया है। देखो फसल, तुम कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके डॉक्टर केली को यहां भेज दो, पैसों की परवाह मत करना। देखो डॉक्टर्स का प्रोग्राम बड़ा रिजिट होता है। आई नो फसल, आई नो ही इज अ बिजी डॉक्टर, बट प्लीज डैम इट ट्राई टू कन्विंस हिम। देखो फसल, उसे मिन्नते करो, उसे प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो। आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग, ये मेरे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल। मैं पूरी कोशिश करूंगा विक्रम। थैंक यू। गुड्डू तुमने तो कमाल ही कर दिया, मामी ने मुझे तुम्हारे साथ आने की इजाजत दे दी और मामा ने अपनी कार भी दे दी। इसलिए तो लोग मुझे गुड्डू बाजीगर करू चमत्कारी कहते हैं ना। एग्जैक्टली लोगों के दिलों को काबू करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। औरों का दिल काबू में करते होगे, मेरा दिल तो चुराया है भाई। ये तो सरासर इल्जाम है मुझ जैसे जेंटलमैन पर। मुझे तो ये जेंटलमैन दीवाना लगता है। अगर ऐसे ही मेरे दीवाने की दीवानगी बढ़ती गई, तो हमारे प्यार की भी चर्चे हो जाएंगी गुलशन गुलशन गली गली। गुलशन गुलशन गली गली मेरे अफसाने गली गली।
से अनोखा इश्क मेरा, जग से निराला हुस्न मेरा, जब से मैं तेरे रंग में ढली, गुलशन गुलशन गली गली, गुलशन गुलशन गली गली, मेरे अफसाने गली गली, गुलशन गुलशन गली गली, मेरे अफसाने गली गली। कोई कहे दीवाना मुझको, कोई कहे मस्ताना, लेकिन तेरी शमा हूँ मैं और तू है मेरा परवाना। परवाना तो जल जाता है, जल के ना जीवन पाता है, मैं लौट के कल फिर आऊंगा, तेरी सूरत बन जाऊंगा, तेरी आंखों में डोलूंगा, दुनिया यूं मुझको जानेगी, तेरे नाम से पहचानेगी, गुलशन गुलशन गली गली, मेरे अफसाने गली गली, मेरे अफसाने गली गली। गुड्डू 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 गुड्डू, क्या हुआ गुड्डू? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं सलीता, कुछ नहीं। ये क्या गा रहे थे तुम गुड्डू? हाँ उस रात भी बात अधूरी रह गई थी। सच सच बताओ गुड्डू, मुझे किसकी आंखें मिलने वाली है? हाँ किसकी? मेरी आंखें सलीता। हाँ हाँ सलीना, चंद महीनों की जिंदगी है मेरी, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। नहीं 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 सलीना, ऐसे नहीं, मैं तो मर के भी तुम्हारी आंखों में जिंदा रहूंगा, तुम फिर से इस दुनिया को देख सकोगे, तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी होगी। नहीं मुझे नहीं पूरी करनी अपने दिल की ख्वाहिश को, मुझे नहीं देखना दुनिया को, तुम्हारे जान के बदले मुझे आंखें नहीं चाहिए, मैं सारी जिंदगी ऐसे ही जी लूंगी, क्या तो गुड़े झूठ है। नहीं सलीना ये सच है, और तुम्हें मेरे लिए ये सच कबूल करना होगा, अगर तुम अपने गुड्डू से प्यार करती हो और उसे अपनी आंखों में बसा कर रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कसम है इनकार मत करना, इनकार मत करना। है तो मेरे सर पे हाथ रख के वादा करो कि तुम भी मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे, फिर मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। ठीक है वादा करता हूँ। बोलो सलीना क्या बात है? तुम मुझसे शादी करोगे? पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो सलीना? तुमने वादा किया है मैं सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनके जी सकती हूँ, मगर इन आंखों के साथ तुम्हारे नाम बगैर नहीं। बोलो गुड्डू। नहीं सलीना। बोलो सलीना। गुड्डू बोलो। चलो सलीना यहां से। गुड्डू तुमने वादा किया है। चलो सलीना प्लीज प्लीज सलीना चलो यहां से। क्या सलीना तुमसे शादी करने के लिए जिद कर रही? हाँ माँ, वो सिर्फ इसी शर्त पर मेरी आंखें लेने को तैयार है। माँ नीचे चलकर उसे समझाइए ना, वो जानती है कि मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद महीने बाकी हैं, लेकिन फिर भी जिद कर रही है वो। प्लीज माँ उसे चलकर समझाइए ना, डैडी के आने से पहले। अच्छा तो चल मैं आती हूँ। हे भगवान बच्चों की रक्षा करना। सलीना बेटी आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। एक सेकेंड बेटी
गुड्डू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे जैसी बहू इस घर में आए, ये इस खानदान की खुशकिस्मती होगी। लेकिन गुड्डू के डैडी की मर्जी भी जरूरी है ना। आजकल वो हमसे कुछ खफा है, लेकिन मौका मिलते ही मैं उनसे बात करूंगी। क्या हुआ बेटी, आंखों में आंसू? कितनी अभागिन हूं मैं, आपके चरण नहीं छू सकती, ममता के स्वरूप को देख नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती। तू देखेगी बेटी, सब देखेगी, इन आंखों को रोशनी मिलेगी, तेरे दिल की हर मनोकामना पूरी होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। ये तुम क्या कह रही हो मां, किस मनोकामना के पूरी होने का आशीर्वाद दे रही हो तुम? एक औरत का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है उसका सौभाग्यवती होना। क्या तुम सलीना को यह आशीर्वाद दे सकती हो? सलीना सौभाग्यवती रहेगी, ये एक मां का आशीर्वाद है, ये मेरा विश्वास है मेरे कृष्ण मुरारी पर। गुड्डू जा, सलीना को रहमान भाई का आशीर्वाद भी दिला दे। अरे पगले, तू क्या जाने, जब एक औरत किसी को अपने दिल में बसा लेती है तो फिर बाकी रस्में तो सिर्फ दुनिया के लिए रह जाती है ना। जा, जा, जा ना। बेटे, मुझे कविता भाभी के विश्वास पर पक्का यकीन है, इंशाल्लाह उनकी दुआ जरूर पूरी होगी। मैं किसी के विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं अंकल, मैं एक फैसले की बात कर रहा हूं, मेरा अपना फैसला, मेरी वसीयत कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आंखें सलीना को दे दी जाए। गुड्डू, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक नाबालिग वसीयत नहीं कर सकता? इसलिए तो मैं आपकी मदद मांगने आया हूं अंकल, कानूनी तौर पे क्या आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? बात सिर्फ मदद की नहीं, विक्रम से मुखालफत की है। विक्रम के दिल में मेरी क्या जगह है मैं महसूस करता हूं, मेरे लिए विक्रम क्या है ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आप लोगों को सिर्फ अपने विश्वास और अपने जज्बातों का ख्याल है, डैडी को साइंस पर भरोसा है, जबकि उन्हीं की साइंस ने मेरी जिंदगी को चंद महीने दिए हैं। मां का भगवान पर विश्वास है, लेकिन क्या बिगाड़ा था सलीना ने जो उसकी हस्ती खेलती रोशन जिंदगी में अंधेरा कर दिया उस भगवान ने? आप ही बताइए कि मैं क्या मानूं, किसका विश्वास सच है? क्या आप लोगों के विश्वास और जज्बातों में मैं ही सिर्फ गलत हूं? क्या मरने से पहले मैं अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता? मायूस मत हो बेटे, सब ठीक हो जाएगा, मुझे अभी राह नहीं सूझ रही, चलो उस दर पे चलते हैं जहां सारी योजनाएं सुलझ जाती हैं। I'm
इश्क खुदा है इश्क वाली नहीं अंकल, अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, बस बहुत शांति है। सलीना बेटी, तुम्हें कैसे लगा? अब कैसे बताऊं अंकल, ऐसे लगा जैसे जैसे मेरा दिल रोशन हो गया हो। खुदा ने चाहा तो आंखें भी रोशन हो जाएंगी। गुड्डू, कविता देखो इसे, देखा आपने लाडले की हरकत? क्या है ये? कोर्ट का नोटिस है जो उसने मुझे भेजा है। बाप को कोर्ट कचहरी में घसीटना चाहता है। प्लेंट में लिखा है कि बाप उसे नेक काम करने से रोक रहा है, लिहाजा अदालत हुक्म जारी करे कि मरने के बाद उसकी आंखें सलीना को दे दी जाए। देखता हूं कि वो अपनी चहेती के लिए कैसे जान देता है। अदालत में छक्के छोड़ा दूंगा, उसके भी और उसके वो रहमान अंकल के भी। तो क्या रहमान भाई गुड्डू की तरफ से केस लड़ेंगे? जी हाँ, आपके चहीते रहमान भाई, बरसों की दोस्ती का ये सिला दिया है उसने मुझे। कई दिन आपने लाडले से की करता रहे कोशिश, सलीना को उसकी आंखें नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। यू मे प्रोसीड मिस्टर रहमान। मिस्टर बहादुर, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर गुप्ता इस शहर के माने हुए ब्रेन सर्जन हैं। दोनों स्पेशलिस्ट ने आपको बताया है कि आपके बेटे का ब्रेन ट्यूमर उसे सिर्फ 2 या 4 महीने जीने देगा, ठीक है? जी हाँ, और ये भी बताया है कि ऑपरेशन के जरिए वो ट्यूमर निकाला जा सकता है और मेरा बेटा ठीक हो सकता है। ऑपरेशन कामयाब होने का कितना चांस दिया दोनों स्पेशलिस्ट ने? 5%। नोट किया जाए योना, गुड्डू की जान बचने का सिर्फ 5% चांस है, ओनली 5%। गुड्डू जान चुका है कि मौत उसके सर पर मंडरा रही है, फिर भी उसका हौसला देखिए, मानवता के लिए उसका सेवा भाव देखिए। योना, गुड्डू की इच्छा है कि उसकी मौत के बाद उसकी आंखें एक नेत्रहीन लड़की सलीना को दे दी जाए, मगर मिस्टर विक्रम बहादुर को यह मंजूर नहीं। I am amazed, Mr. Bahadur. आप समाज के जाने माने इज्जतदार आदमी हैं। बेटा नेकी करे तो क्या एतराज है आपको? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ योर ऑनर, सोच समझ कर रहा हूँ।
मेरा बेटा अभी ना समझ है ना बालिग है और मुझ पर डिपेंडेंट भी है। डिपेंडेंट ही सही, लेकिन गुड्डू के बालिग होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं योर ऑनर। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त कि इस केस को एक स्पेशल केस समझकर गुड्डू को वसीयत करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वो अपनी वसीयत के जरिए एक बड़ा ही नेक काम करना चाहता है। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट इज एडजर्न फॉर लंच। तो तुम परोपकार के लिए, नेकी के लिए सलीना को अपनी आंखें देना चाहते हो? जी हां। देखो उधर, वो शख्स भी अंधा है जिसे मैं अपने साथ इस कोर्ट में लाया हूं। पटाखों की फैक्ट्री में काम करता था, 6 महीने पहले एक एक्सप्लोजन में इसने अपनी आंखें गंवा दी। आज इसके बाल बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज है। क्या अपनी आंखें इसे दे सकोगे तुम? जी नहीं, सिर्फ सलीना को दूंगा। सलीना दौलतमंद घराने की लड़की है। ये दुखियारा सलीना से कहीं ज्यादा मजबूर और मोहताज है। सलीना को आंखें देने से कहीं ज्यादा परोपकार होगा अपनी आंखें इस गरीब को देना। क्या इस गरीब को अपनी आंखें दोगे तुम? जवाब दो, इस परोपकार के लिए तुमने सिर्फ सलीना को ही क्यों चुना है? इसलिए कि सलीना की आंखें मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे कारण नहीं, एक दुर्घटना के कारण। तुम कोई परोपकार नहीं कर रहे हो, बल्कि प्यार के लिए, इश्क के लिए सलीना को अपनी आंखें देना चाहते हो। बोलो सलीना से तुम इश्क है कि नहीं? है। कितना इश्क है? क्या उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हो तुम? दे सकता हूं जान। नोट किया जाए योर ऑनर, ये इश्क में जान देने के लिए तुला बैठा है। मगर मिस्टर बहादुर, वो नेचुरल मौत के बाद अपनी आंखें देना चाहता है सलीना को, इश्क में खुदकुशी तो नहीं कर रहा है? खुदकुशी कर रहा है योर ऑनर, खुदकुशी कर रहा है। मैं इसका ऑपरेशन दुनिया के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर कैली से करवाना चाहता हूं जो अमेरिका में रहते हैं, मगर ये अमेरिका जाने से इनकार कर रहा है। यह खुदकुशी नहीं है तो और क्या है? यह मेडिकल साइंस को मौका ही नहीं देना चाहता कि वो इसकी जान बचा सके। यह खुदकुशी नहीं है तो और क्या है? इसकी जवानी जीने के लिए है योर ऑनर, मौत से संघर्ष करने के लिए है, मगर ये मौत के इंतजार में वसीयत करने इस कोर्ट में चला आया है। ये खुदकुशी नहीं है तो और क्या है? आपकी हद धर्मी मुझे इस कोर्ट तक खींच लाई है डैड। डैड, मैंने आज तक आपकी सारी बातें मानी हैं, हर कदम आपके आदेश पर उठाया है। आप मुझे साइंस स्टूडेंट बनाना चाहते थे, मैं बना। आप मुझे स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते थे, मैं बना। मैं कौन सा खेल खेलूं, कैसे खेलूं, कहां पर खेलूं, इसमें भी आप ही की मर्जी चलती रही। मेरे सोने का वक्त, जागने का वक्त, खाने पीने का वक्त, यहां तक कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये भी आप ही ने तय किया। आज तक मेरी जिंदगी का हर फैसला आप ही करते आए हैं। मौत के बाद का फैसला मुझे करने दीजिए प्लीज। मरने से पहले सिर्फ एक फैसले की भीख मांग रहा हूं मैं आपसे, मेरी आंखें सलीना को दे दीजिए, ताकि तुम मौत को अपने और करीब ला सको। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, तुम्हारी आंखें सलीना को नहीं दी जाएंगी। मिस्टर बहादुर,
आप बेटे की मासूम सी ख्वाहिश मान क्यों नहीं लेते? मैं वो ख्वाहिश मान लूं योर ऑनर तो गुड्डू जीने की ख्वाहिश छोड़ देगा, योर ऑनर छोड़ देगा। इस बाप को उस ख्वाहिश में बेटे की जिंदगी का चिराग बुझता हुआ नजर आ रहा है योर ऑनर, बुझता हुआ नजर आ रहा। इच्छा शक्ति में बड़ी ताकत होती है योर ऑनर, बड़ी ताकत होती है। ये मौत से लड़ेगा, तब तक जिएगा जब तक इसे यकीन नहीं हो जाता कि इसकी आंखें सिर्फ सलीना को ही मिलेंगी। इसीलिए मैं अपने जीते जी इसकी ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा योर ऑनर, पूरी नहीं होने दूंगा। मुझे बेटे की जिंदगी चाहिए योर ऑनर, मौत नहीं। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि गुड्डू को वसीयत करने का हक ना दिया जाए। कानून का भी यही तकाजा है योर ऑनर, जब तक औलाद नाबालिग है और अपने मां बाप पर डिपेंडेंट है, उसका भला बुरा तय करने का हक केवल वालदेन को है, पेरेंट्स को है। पेरेंट्स में से बाप नहीं, मां भी शामिल है मिस्टर बहादुर। अदालत जानना चाहेगी आपकी पत्नी अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है कि नहीं। मेरी पत्नी ने आज तक कोई भी फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं किया है योर ऑनर। फिर यहां तो बेटे की जिंदगी का सवाल है, उनकी मर्जी भी वही होगी जो मेरी है। फिर भी अदालत उनके मुंह से सुनना चाहेगी। कल मिसेस बहादुर को कोर्ट में हाजिर किया जाए। जग ढूंढे विज्ञान में तुझको देखे कोई तमाशा, मूर्ख बुद्धि मान बने ज्ञान देने को दादा, नादान की उंगली थाम रे, नादान की उंगली थाम रे, मेरे कविता। ये क्या हो रहा है तुम्हारे हेड ऑफिस में? जो आपका कर्तव्य था अब मैं पूरा कर रही हूं। बेटे की जिंदगी के लिए मृत्युंजय जाप करवा रही हूं। तुम जैसी धर्म की मतवाली कभी नहीं सुधरेगी। खैर कब तक चलेगा तुम्हारा ये जाप? रात दिन दो तीन रोज। कल तुम्हें कोर्ट चलना है। जाप बीच में छोड़कर? वो तुमने मुस्टंडे पंडित बटोर रखे हैं ना जाप जारी रखने के लिए। अदालत तुम्हारा बयान सुनना चाहे, वहां क्या बोलना है मैं बतला दूं तुम्हें। प्रेम बुद्धुनाम पालयपालया मृत्योर्मोचयमोचज आयुर्वर्धय वर्धज ओम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मक्षीयमामृतात् स्वाहा। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द प्रेस एंड मीडिया, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द कोर्ट प्रोसीडिंग। You may proceed, Mr. Rahman. Mrs. Bahadur, गुड्डू की मनोकामना है कि मौत के बाद उसकी आंखें सलीना को दे दी जाएं। क्या एक मां होने के नाते आप ये नहीं चाहेंगे कि उसकी मनोकामना पूरी हो? Objection, Your Honor. It's a leading question. इनके पति होने के नाते मैं भी इन्हें पत्नी का धर्म याद दिला सकता हूं कि पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति की मर्जी पूरी करे। बताइए मिसेस बहादुर, आपका बेटा चाहता है कि उसे वसीयत करने की इजाजत दी जाए, आपके पति नहीं चाहते, आप क्या चाहती हैं? मिसेस बहादुर, आप जानती हैं कि आपके पति नास्तिक हैं, पूजा पाठ में उन्हें विश्वास नहीं, अब बेटे को भी परोपकार करने से रोक रहे हैं, क्या आप चाहेंगी उसे रोका जाए? Objection, Your Honor.
इट्स अगेन अ लीडिंग क्वेश्चन. ऑब्जेक्शन सस्टेन. मिसेस बहादुर, अदालत आपके मुंह से सिर्फ ये सुनना चाहती है कि आपके बेटे को वसीयत करने की इजाजत दे दी जाए या नहीं. अपनी मर्जी बताइए मिसेस बहादुर. अदालत आपके जवाब का इंतजार कर रही है मिसेस बहादुर. अरे मां, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मां, मैं जानता हूं कि आप मुझसे खफा हैं, क्योंकि मैं आपको बताए बिना स्कोट में आया और डैडी को नाराज किया. लेकिन मां, आप ही ने तो सलीना को आशीर्वाद दिया था कि उसको उसकी आंखों की रोशनी मिलेगी. मैं जानता हूं मां कि आप अपने पति परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी, मगर क्या एक मां पर उसके बेटे का कोई अधिकार नहीं होता? बोलो ना मां, क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? अरे आप ही ने तो हमेशा मुझे सिखाया है कि इंसान की आंखों में उसकी चिति शक्ति होती है. तो मेरे मरने के बाद अगर सलीना को मेरी आंखें मिलेंगी तो उसमें मैं ही जीऊंगा मां, मैं ही जीऊंगा. और मां, मां मैं जीना चाहता हूं मां. मैं जानता हूं मां कि मेरे मरने के बाद आपको डैडी को कितना दुख होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने भी कभी सोचा है कि आप जैसे मां बाप को छोड़कर जाने में मुझे कितना कष्ट हो रहा होगा? अरे मां, इस भयानक मौत से मुकाबला करने का मुझे मुझे साहस दो मां, मुझे साहस दो. अरे आप चुप क्यों हैं? आपने तो अपने इस बेटे की जिंदगी पर हर ख्वाहिश पूरी की है. आज आपका वही बेटा, वही गुड्डू आपसे भीख मांग रहा है. मेरी आंखों को जीने दो मां. अरे मुझे कुछ तो जीने दो, मुझे कुछ तो जीने दो मां, मुझे कुछ तो जीने दो. अरे बोलो ना मां, तुम चुप क्यों हो मां? बोलो प्लीज, बोलो मां. कोर्ट का जंजल तुम्हारो. प्रेम बहादुर बुद्धुनामानं पालय पालया मृत्योर मोचय मोचया आयुर्वर्धय वरदायो. गुड्डू, तुम हो इस फसाद की जड़. तुम ही ने मेरी पत्नी को बहकाया है. वो जब बेवकूफ औरत तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठी है, उसी के कहने पर मैंने तुम्हें इस घर में आने दिया, मगर यहां आकर तुमने ऐसा गुल खिलाया कि तुम्हारे कारण मेरी पत्नी मेरे कहने में नहीं रही. इसीलिए मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ सर उठाया. मगर अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे इन हथकंडों से मेरे भी तुम वैसे ही घुटने टुकवा दोगे, तो तुम्हारी ये भूल है, भूल. तुम एक दिन में इस देश का कानून नहीं बदल सकते. उस केस में मेरी जीत होगी, मेरी. जा रहा हूं मैं और उस कोर्ट केस को जीत कर लौटूंगा मैं. केस को जीतने के बाद तुम्हें तुम्हारे इस आसन से उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा मैं, बाहर फेंक दूंगा मैं. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ यों सः नक्षत्रे कन्या राशौ.
जाकर मोहन गाड़ी क्यों रुकी हुई है? साहब आज ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही है। घर से आधा घंटा पहले निकलने के बावजूद हम लोग यहीं अटके पड़े हैं। ये सिग्नल क्यों बनाते हैं ये लोग? गाड़ियां रोकने के लिए या गाड़ियां चलने के लिए? ये जगह जगह पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बना देते हैं? क्या हो रहा है? साहब लगता है कोई नेता जा रहा है। ये नेता लोग हेलीकॉप्टर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सारा का सारा ट्रैफिक जाम कर रखा है इन लोगों ने। तुम वो गाड़ी राइट रास्ते से निकालो, राइट रास्ते से। साहब तुम्हारा रास्ता खुदा हुआ है, गाड़ी नहीं जा सकती। तुम लेफ्ट से गाड़ी ले लो। साहब वहाँ गाड़ी फंस जाएगी। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, लेफ्ट से गाड़ी लो। देखिए साहब गाड़ी फंस गई। ओह क्या मुसीबत है। अरे क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं टैक्सी में जाता हूँ, तुम कोर्ट पहुंचा। जी साहब। टैक्सी टैक्सी मैंने रुपए भाई साहब लेफ्ट लेफ्ट। हरे कृष्णा जब ढूंढे भी ज्ञान में तुझको जैसे को सबक सिखाने का और कोई तरीका नहीं था। डैड, 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 डैड क्या हो गया? डैड विक्रम भाई, डैड आगे को ले। डैड विक्रम भाई, डैड क्या हो गया? विक्रम भाई आगे को ले। डैड, डैड, डैड मैं
सलीना को अपनी आंखों के लिए अब 4 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, उसे मेरी मेरी नहीं नहीं अगर दाद मुझे माफ कर दीजिए, दाद दाद मुझे माफ कर दीजिए, आप तो जानते हैं मैं आपको कितना चाहता हूँ। हाउ मच आई लव डैड। अंकल कहिए ना, ये देखिए डैड, ये देखिए डैड, प्लीज आगे को लिए डैड, प्लीज आगे को लिए डैड। देखिए अब ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं डैड, मैं आपके साथ अमेरिका भी चलूंगा, इलाज भी करूंगा डैड, प्लीज। उठो, बातों में वक्त मत गवा डैड, उठाओ इन्हें, उठाओ इन्हें। देखिए ना, मदद कीजिए, इन दोनों का स्वदा ले जाना है, जल्दी कीजिए प्लीज। अंजलि जरा फुटे बिजी है डॉक्टर साहब, बहुत बिजी है। हेलो मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अंदर जा नहीं सकती। गुड्डू, गुड्डू बैठे, गुड्डू क्या हो गया? गुड्डू क्या हो गया आपको? कोई दरवाजा नहीं खोलता भाई। गुड्डू गुड्डू ये दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, खोलिए ना। यस मैडम। डॉक्टर साहब, मेरे बेटा, देखिए मरीज की हालत बहुत नाजुक है, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर साहब, मैं एक मरीज की माँ हूँ, दूसरी की पत्नी हूँ, मुझे जाने दीजिए। उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए प्लीज प्लीज। आप घर जाइए, मैं 24 घंटे यहीं मौजूद रहूंगा, आप घर जाके प्रार्थना कीजिए। आइए। देवी जी, जाप समाप्त हो गया, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्कार। बलिया जी, तुम भी जाओ। जी। की भक्ति का ये पुरस्कार दिया है तुमने कि आज मेरे पति और बेटी की जान पे बनी है। तुम्हें प्राण चाहिए तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे पति और बेटे को जीवन दान दो। अब निर्जल व्रत है मेरा,
एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। भूखी प्यासी मर जाऊंगी तुम्हारे चरणों में। तुम्हें उन दोनों को जीवन दान देना ही होगा। तुम्हें उन दोनों को जीवन दान देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। लगता है डॉक्टर भाटिया को बुलाना ही पड़ेगा। जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। आइए सर। भाभी जान, दरवाजा खोलिए भाभी जान। ओ भाभी जान, भाभी जान, मैं फजलुद्दीन अमेरिका से आज ही आया हूँ। दरवाजा खोलिए भाभी जान। भाभी जान, मैं डॉक्टर केली को साथ में लाया हूँ गुड्डू के ऑपरेशन के लिए। दरवाजा खोलिए भाभी जान। ओ भाभी जान, दरवाजा तो खोलिए भाभी जान। भाभी जान देखो, मुझे हॉस्पिटल जल्दी जाना। जैसे ही भाभी जान दरवाजा खोले, तुम उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले आना। रहमान भाई, ये हैं डॉक्टर के लिए। हेलो हेलो, इट्स ओके, चल प्लीज। नहीं नहीं, आप लोग यहीं रुकिए और सामने मॉनिटर पर देखिए। हरे सोनिया, सोनिया आई। सलो, क्या हुआ? सलो क्या हुआ? मामा, मामा जी ने परसों बताया था कि गुड्डू का ऑपरेशन होने वाला है। मेरा मेरा दिल अचानक बेचैन क्यों हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है सोनिया, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होने वाला है? Thank you.
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, भाभी की प्रार्थना ने तुम्हारी और गुड्डू की जान बचा ली। क्या हुआ गुड्डू को, कहाँ है वो? परेशान मत हो विक्रम, गुड्डू अच्छा है। फजल भाई डॉक्टर केले को सही वक्त पर ले आए। गुड्डू का ऑपरेशन कामयाब रहा, उसका ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया गया है। अच्छा, कविता कहाँ है? वो 5 दिनों से अपने आप को पूजा घर में बंद करके तुम दोनों की जिंदगी की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। 5 दिन हो गए, मुझे मुझे कविता के पास ले चलो। मिस्टर बहादुर, आपको आराम की जरूरत, आप लेटर प्लीज लेट जाइए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे विक्रम, मैंने कविता भाभी से वादा किया है कि जब तक तुम होश में नहीं आओगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम आराम करो, मैं भाभी को लेकर आता हूं। गुड्डू का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, विक्रम भाई भी होश में आ चुके हैं, अब वो खतरे से बाहर है, दरवाजा खोलिए। कविता, 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 विक्रम तुम यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कविता से कुछ कहना है। मालिक, मालकिन द्वार बंद किए पड़े हैं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया। कविता, कविता, दरवाजा खोलो कविता। देखो कविता, मैं आ गया हूं कविता, तुम्हारे इस मंदिर में पहली बार। तुम मुड़ कर देखोगे नहीं मुझे, तुम्हारी भक्ति और भगवान की शक्ति के सामने आज मैं हार गया हूं कविता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे गुड्डू को वापस लौटा दिया है कविता, मेरे साथ चलो कविता, आओ कविता, कविता आओ, चलो उठाओ चरणामृत पर चलो गुड्डू के पास कविता, कविता, ए कविता, कविता, नहीं कविता नहीं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कविता, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर, नहीं कविता। मेरे लाल झुक झुक जियो, मेरी आंखें सलीना बेटी को दे दी जाए। वाह कविता वाह।